ये देखिए गाइस, ये सिर्फ 150 रुपए करते रहते हैं, इसलिए इसका 150। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है रक्षाबंधन, तो सबसे पहले आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी हम लोग भी जा रहे हैं भैया को राखी बांधने के लिए, तो बहुत ज्यादा लेट हो गया, 7 बजने वाला है, तो चलते हैं पहले भैया को राखी बांधते हैं। तो यहाँ पे बैठे हैं भैया, तो उसको विश करते हैं हैप्पी रक्षाबंधन। तो चलते हैं अब राखी बांधने के लिए। पहले दीदी बांधेगी। तो आप देख सकते हैं इसके लिए मिठाई कितना सारा आया है। दो दो। इसको साफ चाहिए, दो दो। गजब बेइज्जती है। दीदी जा रही है भैया का पैर छूने के लिए, क्योंकि वो छोटी है उनसे, तो आशीर्वाद देते हुए और नेक के तौर पे अपना प्यार देते हुए भैया। तो भैया पूरा पैसा गिन रहे हैं, लग रहा है आज अपना पूरा प्यार लुटा देंगे। मेरे पास बहुत पैसा है। इतना सारा नहीं, अरे लेना। अरे नहीं नहीं, इतना रखना है। अरे इतना सा क्या होगा, ये खाली लेगा, इतना सा हो जाएगा। इतना सारा नहीं, ये देखिए गाइस, इतना सारा पैसा दे रहा है। आज इसकी खुशी आप देख सकते हैं, इसको रिटर्न करने का मन नहीं है, लेकिन भी मुझे एक ही पैसा चाहिए। वो उसका प्यार है, वो आप पे अपना प्यार लुटाया है, तो पूरा खुश। गाइस अब मैं जा रही हूँ राखी बांधने के लिए और दीदी को दे देती हूँ फोन शूट करने के लिए। नहीं लंबी है गाइस कि कैमरे में भी मुझे एकदम पीछे ही आना पड़ रहा है, बार बार जितना पीछे जा रही हूँ और पीछे आ जाना पड़ रहा है, तो इसीलिए बोला था कंप्लेंट दिया करो। मैं तो पी थी। अच्छा, हमको सिखा रही है। ये देखिए गाइस, इन लोग का प्यार। ये देखिए खुद ही खा रही है भुक्कर। डेढ़ सौ रुपया। ये देखिए गाइस, ये सिर्फ 150 रुपया करते रहते, इसलिए इसका 150। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। 150 रुपया मिल गया। तो गाइज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज रक्षाबंधन है, तो भैया को तो हम लोग राखी बांध चुके हैं, तो मुझे हर साल दीदी राखी बांधती थी,
तो उसका मन है कि इस साल भी वो मुझे राखी बांधे, भैया है फिर भी, क्योंकि हर साल वो कोलकाता में ही रहता था, हम लोग कुरियर कर देते थे तो वो मुझे राखी बांधती थी, तो आज फिर से वो मुझे राखी बांधेगी। तो चलिए, गाइज अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर, मैं और दीदी, पूजा करने के लिए। तो चलते हैं अभी मंदिर। तो गाइज अब जा रहे हैं मंदिर, मैं और दीदी। बहुत ज़्यादा धूप है इसकी वजह से छाता लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे है एक शिव जी का मंदिर, घर के पास में ही है, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। तो चलते हैं अब मंदिर। तो फाइनली गाइज आ चुके हैं मंदिर, तो पूजा करते हैं। फाइनली गाइस घर वापस आ चुके हैं, तो थोड़ा रेस्ट करते हैं क्योंकि धूप से आए हैं तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो चलते हैं थोड़ा नींबू पानी। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसा तो भी फेल वैसे ना रखेला, पूरा खोल के ऐसे करके गला कान में खोसेला।